प्रस्तुत कविता बीए प्रथम वर्ष की जो हमारी पोएट्री है उसमें ट्रू लव हमारी पहली कविता है, जो कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के महान ड्रामाटिस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। चूँकि ये एक सोनेट है, 14 लाइनों की कविता जो है वो सोनेट कहलाती है, और विलियम शेक्सपियर ने सच्चे प्रेम की परिभाषा बहुत ही विस्तृत रूप से दी है। विलियम शेक्सपियर जो कि 1564 ईस्वी में जन्मे थे और 1616 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रस्तुत जो कविता है ट्रू लव यानी कि सच्चा प्रेम, इसके बारे में कविता जो है वो सच्चे प्रेमियों के प्रेम को दर्शाती है। कवि का मानना है कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें कितनी भी बाधाएं आ जाएं किंतु उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा भटके हुए प्राणियों को एक राह दिखाता है, उस ध्रुव तारे की भांति स्थिर होता है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, और भटके हुए जहाज़ों को समुद्री तूफानों में जो जहाज़ भटक जाते हैं उनको दिशा प्रदान करता रहता है। समय कितना भी परिवर्तनशील हो जाए किंतु इसके द्वारा समय के द्वारा प्रेम को कभी भी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समय के साथ साथ जो व्यक्ति का आकर्षण होता है, सुंदरता होती है, चल दी जाती है, और धीरे धीरे जो भी रूप यौवन और आकर्षण होता है वो समाप्त हो जाता है, किंतु यदि वास्तव में उसने सच्चा प्रेम किया है तो वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। कवि का मानना है कि यदि उसके द्वारा कही गई बातें असत्य हैं तो वो कविता लिखना बंद कर देगा। आइए अब आपको ले चलते हैं लेटेस्ट एक्सप्लेन की तरफ, किस तरह से कवि ने अपने भाव इस कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। कवि का मानना है कि वास्तव में जो दो सच्चे ज्ञानी और मैरिज का मतलब मिलन वाले व्यक्ति, मैरिज का वैसे शादी होती है लेकिन यहाँ पर मैरिज से तात्पर्य दिया गया है कि जो सच्चा प्रेम करने वाले हैं, ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स माने उस प्रेम में जो सच्चे प्रेमी हैं उनके प्रेम में कभी भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। लव इज नॉट लव, यदि वहाँ पर कवि का मानना है कि यदि उन प्रेमियों के मध्य बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। कवि कहता है कि विच अल्टर्स वेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, कितना भी परिवर्तन हो जाए परंतु उस परिवर्तन के परांत भी प्रेम जो है आर बेंड विद द रिमूव टू रिमूव, ना कभी झुकता है और ना कभी अपने उस स्थान से हट सकता है। अर्थात जो सच्चे प्रेमी हैं उनके हृदय में विद्यमान प्रेम को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। कभी जो हमारा दूसरा स्टेंजा दिया है उसमें कभी प्रेम का वर्णन करता है, कहता है ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। कभी कहता है कि ये सदैव एक स्थिर बिंदु की भांति है, उस निश्चित बिंदु की भांति है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो हमेशा ही तूफान में कैसा स्थिर दिखाई देता है। नेवर शेकन माने कितना भी भयंकर तूफान आ जाए किंतु वो उसे अपने स्थान से हिला नहीं सकता है। इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग वार्क, उस प्रेम को उस तारे से उसकी तुलना की गई है कि वह उस सितारे की भांति है जो कि एवरी वांडरिंग वार्क माने हर उस वांडरिंग मीन्स भटके हुए, वार्क मीन्स जहाज को दिशा प्रदान करता है। वह उस स्थिर तारे की भांति है जो भटके हुए समुद्री तूफान में जहाज को दिशा प्रदान करता है। हुज वर्थ्स अनन ऑल्दाउ हिज हाइट
टू बी टेकन, कवि का कहना है कि ध्रुव तारे की उपयोगिता मापी नहीं जा सकती है। आल्दाव यद्यपि, हिज हाइट टू बी टेकन, कवि का कहना है यद्यपि उसकी दूरी माप ली गई है। बाद में कवि अंतिम पैरा में क्या कहता है कि लव्स नॉट टाइम्स फूल, समय प्रेम को कभी भी मूर्ख सिद्ध नहीं कर सकता है। दाव रोजी लिप्स एंड चेक्स, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, कवि का कहना है कि समय ज्यों ज्यों गुजरता जाता है उससे रोजी लिप्स मीन्स मूंगे जैसे ओंठ एंड चेक्स मीन्स और गाल, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, जैसे जैसे समय गुजरता है युवावस्था बीत जाती है और समय का जो सिकल्स मीन्स हसिया है वो उम्र के ऊपर चलता है और सारी चीजें जो हैं आकर्षण विहीन हो जाती हैं। अर्थात किसी भी प्रेमी या प्रेमिका का जो रूप यौवन है वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है जब समय अपने चरम सीमा पर होता है। अर्थात जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसका सारा रूप यौवन समाप्त हो जाता है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, व्हाट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, कवि का मानना है कि प्रेम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है भले ही घंटे सप्ताह और इसी प्रकार की अन्य चीजें संक्षिप्त हो जाएं, बट किंतु बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, किंतु ये अपने को वैसा ही बनाए रखता है। अर्थात दो सच्चे प्रेमियों को प्रेम को सहन करने की शक्ति देता है भले ही वो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो जाए और उनकी अवस्था भी धूमिल पड़ जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भले ही शरीर कमजोर हो जाए किंतु जो प्रेम का वास्तविक और सच्चा प्रेम है वो कभी भी धूमिल नहीं हो सकता है। मैं इन दो लाइनों में कभी अपना संदेश देता है, कहता है इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, कवि का कहना है कि मेरे द्वारा जो भी कहा गया है इसमें यदि कोई गलती है तो वो मुझ पर सिद्ध करे। आई नेवर रेट नार नो मैन इवर लव्ड, तब कवि कह रहा है कि मैं इस चीज को सिद्ध कर दूंगा कि उस व्यक्ति ने कभी, यदि वो ऐसा कहता है कि ये प्रेम जो है धोखा देने वाला होता है या फिर प्रेम जो है झूठा होता है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए तो मैं यही कहूंगा कि उस व्यक्ति ने कभी भी प्रेम नहीं किया है और मैं अपनी कविताओं को लिखना भी बंद कर दूंगा।